तो दोस्तों कुछ भाई करते क्या है कि बॉल रेसर लगाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि ये चलते चलते फिर लूज होगा, फिर टाइट करेंगे। तो लूज उन्हीं शर्त पे होंगे जब हमारा बॉल रेसर ठीक से बैठता नहीं है, ठीक है। तो हम बिल्कुल कम्प्लीटली इसको अगर सही से बैठा देंगे तो जल्दी से ये लूज नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप ज़रूर हमें बताएँ, कमेंट कीजिए क्या हम आपको हम गलत बता रहे हैं। बॉल रेसर इतना कमज़ोर नहीं होता कि चलते चलते बिल्कुल तुरंत ही लूज हो जाएगा। तो हमें कम्प्लीटली बिल्कुल इसे एक बार ही फिनिशिंग करना है और बिल्कुल ये लूज नहीं होगी, ठीक है। ये बॉल रेसर है भैया, ये कोई प्लास्टिक नहीं है जो इसका बॉल रेसर हमें नया डालना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कटा हुआ है, ये थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के कटने से इसका क्या होता है, बॉल ख़राब कर देते हैं। तो हमें इसे चेंज करना होगा बॉल रेसर को। देखिए रेसर खोलने में यहाँ पे थोड़ा बावरी बन गया, तो इसे हम रेती से साफ़ कर देंगे, वरना रेसर ठीक से बैठेगी नहीं, फिर काम नहीं करेगा अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, इसमें अब कौन सा हमें लगाना है, ये नीचे का हैंडल का जो टी होता है इसमें हमें कौन सा लगाना है, अब ये ध्यान देना होता है। देखिए इसमें ये वाले लगेंगे, ठीक है, और इसे हमें नीचे वाले लगाना हैंडल टी में, और इसे सेचेस में लगाएंगे नीचे, और इसे हम ऊपर लगाएंगे दोनों को। अब रेसर ठोकरने के लिए जो हमने निकाला रेसर इसका हैंडल टी का, उसी रेसर को हम डालना है ऊपर से, और फिर इस तरह पाइप होता है, हमारे पास ये पाइप है, हमें इसके ऊपर रख के हमें चोट मार देना है। इस पाइप से हमें हथौड़ी का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है दोस्तों, हम डायरेक्ट हम इसे ठोक सकते हैं। देखिए ये हमने ठोक दिया, अब इसके ऊपर फिर हम इसका रबड़ लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों चेचिस का जो हम रेसर खोलेंगे, हमें नीचे वाला दिक्कत होता है खोलने में, हमें बराबर खोलना होता है दोनों तरफ से, वरना कट जाते हैं उसके घाटे, फिर कमज़ोर हो जाती है, फिर आगे चल के रेसर लूज होने लगता है। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ से ठोकना चाहिए। दोस्तों देखिए हमने ये रेसर खोला इससे चेचिस से, तो देखिए कहीं भी कोई दाग नहीं है इसका, कोई भी घाट है इसके जो सीट में घाट बन जाते हैं, कट जाते हैं, इस तरह का नहीं हुआ। तो हम क्या करें, दोनों तरफ से बराबर ठोकें, फिर ये आराम से पीछे नीचे नीचे निकल जाएगी। अब जो हम नए वाले को लगाएंगे, हम इस तरीके से लगाएंगे और दोनों तरफ से हमें ठोकना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर से इस रेसर को ऐसे लगाना है, इससे भी ठोकना है, फिर एक बार और ऊपर से क्या होता है गोटी लगा के, देखिए इतना हमने ठोका, अब इसे ऊपर से लगाना है, फिर इसे ठोकना है, फिर उसके बाद कोई गोटी लेना है 29 या 32 नंबर का, फिर ऊपर से हमें ठोकना है। बिल्कुल आवाज़ इसके बदल जाएगी, जब अच्छे से ठुक जाती है तो आवाज़ बदल जाती है। कुछ भाई करते क्या है, इसे हैंडल को लूज रखते हैं, ये टाइट कर देते हैं कि चलते चलते लूज होगा, तो उस समय क्या होता है कि ये रेसर को सही से बैठा नहीं पाते, इस वजह से चलते चलते वो लूज होता है। लूज होने का कोई कारण ही नहीं बनता दोस्तों, अगर लूज होगा तो आप ये समझिए कि इसका बॉल रेसर ख़त्म है। क्या होता है कि इतना भी कमज़ोर नहीं होता कि बॉल इसका खा जाएगा, जो लूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि इसको सही से बैठा नहीं सकते। क्या है तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।